हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। आज है थर्सडे और आज अभी टाइम हुआ है, ये देखिए 8:16। मेरा जो व्लॉग है वो आज इतना लेट शुरू हो रहा है क्योंकि आज पूरे दिन से मैं थोड़ा सा उदास थी और कुछ भी ऐसा सच करने का मन नहीं कर रहा था। दिन में सोचा कि अपना व्लॉग शुरू करती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ, लेकिन मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन अभी मुझे लगा कि चलो ठीक है, आप लोगों से बातें करके थोड़ा मन बहला लेती हूँ। डिनर में आज कुछ नहीं बना क्योंकि पापा मम्मी बोल रहे थे कि जो दोपहर का रखा है वो वही खाएंगे। लेकिन अभी मुझे वापस थोड़ा थोड़ा भूख लगी है क्योंकि लंच आज बहुत जल्दी हो गया था। लेकिन उदास थी तो ऐसा कुछ डिनर करने का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कि दूध के साथ मैं थोड़ा रस खा लूँगी और हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो ठीक है, क्विक वाला पास्ता बना लेती हूँ और बहुत जल्दी बन जाएगा और अनवित भी वही खा लेगा। पहले लगा कि इसको टोस्ट बना के दे दूँगी, लेकिन सोचा कि चलो ठीक है पास्ता बनाती हूँ। तो मैं वही बनाने के लिए जा रही हूँ, एकदम क्विक बन जाएगा, ज़्यादा मतलब देर वाला कुछ नहीं कर रही हूँ और कुकर में बनाऊँगी और आप लोगों के साथ एक छोटी सी रेसिपी भी उसकी मैं शेयर कर दूँगी। वैसे मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं पास्ता की, अगर आप देखेंगे तो। मैं क्योंकि पास्ता और ये सब चाइनीज़ वगैरह काफ़ी कुछ बनाते रहती हूँ तो अलग अलग हमेशा वर्जन सोचती हूँ कि कुछ नया ट्राई कर लूँ। तो आज भी ऐसे सोचा कि चलो क्विक वाला बना के देखती हूँ। कुकर में मैं फर्स्ट टाइम बनाऊँ प्रेशर कुकर में कैसा बन के आता है, क्योंकि बहुत जल्दी बनाना है वरना डिनर को फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और मैं आज उदास क्यों हूँ तो वो मैं अभी आपको बताऊँगी थोड़ी देर के बाद। पहले मैं कुकिंग कर लूँ और डिनर करके थोड़ा सा यहाँ पे फिनिश कर लूँ सब चीज़ें, फिर मैं आप लोगों के साथ डिटेल में बात करूँगी। पास्ता में डालने के लिए मैंने 4 to 5 गार्लिक क्लोव्स ली हैं और 2 अनियंस लिए हैं। तो गार्लिक पास्ता में बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा गार्लिक ज़्यादा लेती हूँ पास्ता में डालने के लिए। और एक बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पे कैप्सिकम ली है तो इन्हीं की मैं अभी चॉपिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 टोमेटो लिए थे और एक कैरेट ली थी और बहुत छोटा सा एक टुकड़ा मैंने जिंजर का लिया था। तो उनको मैंने कुकर में विसिल लगाया है तो ऑलमोस्ट मैंने थोड़ा सा इनको स्मोकी फ्लेवर दिया है क्योंकि पानी मैंने कम रखा था तो उससे जो सॉस का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो बस मैं इनका भी एक प्योरे तैयार करूँगी। तो ये होल वीट पास्ता है जो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये मैंने बिग बास्केट से ऑर्डर किया था और एक के साथ एक फ्री मिला है। तो यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है, इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है और इसमें मैं ऐड करूँगी इटालियन सीजनिंग। तो किया की इटालियन सीजनिंग है जो मुझे बिग बास्केट पे मिली थी। और ये डालने के बाद इसमें मैं अपना गार्लिक और अनियन डालूंगी, इनको मैं सोटे करूंगी। तो बहुत देर तक मुझे सोटे नहीं करना है क्योंकि मुझे जो वेजिटेबल्स हैं उनका टेस्ट थोड़ा सा क्रंची पसंद है तो इनको बहुत ज़्यादा फिर मैं सोटे नहीं करूंगी। और यहीं पे ही अभी इनको थोड़ा सा सोटे करने के बाद ही मैं अपने कैप्सिकम ऐड कर दूंगी। कैप्सिकम ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने जो टमाटो और कैरेट का प्योरी बनाया था तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो उसको मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल रख रही हूँ पास्ता को, बस इसमें थोड़ा सा मैं इंडियन टच दूंगी। तो इसमें जो सब्ज़ी मसाला है आज मैं वो ऐड कर रही हूँ तो इसका टेस्ट देखने के लिए कि कैसा आता है। तो ऐसे ही मुझे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना पसंद है जो स्पाइसेस रहते हैं। तो ये ऐड करने के बाद मैं इसको बहुत थोड़ा सा पकाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो वेजिटेबल्स हैं वो कुक हैं जो मैंने प्योरी में ऐड की हैं टोमेटो और कैरेट। तो उनको बहुत ज़्यादा मुझे सोटे करने का ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे मैं बस अपना जो मेरा होल वीट पास्ता है वो ऐड करूँगी। तो 1 बाउल मेरा पास्ता है तो इसमें मैं 2.5 बाउल के आसपास पानी ऐड करूँगी और इसमें ऐड करूँगी मैं सॉल्ट। और
अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैंने ये फॉरेन फूड की पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस ऑर्डर की थी, तो उसमें 1 स्पून के आसपास मैं ये ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं। और बस फिर मैं कुकर में 1 विसिल लगाऊँगी और पास्ता बहुत जल्दी बन जाएगा। तो मैंने अभी कुकर खोला तो पास्ता मेरा एकदम कुक हो गया है, और आपको कुकर में थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा होगा, तो ये पानी आप रहने देना, क्योंकि पास्ता रखने के बाद थोड़ा सा टाइट हो जाता है और फिर ये जो सॉस है ये भी टाइट हो जाएगी, इसलिए इतना पानी रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अनवित को ही खिलाऊंगी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है और वो फर्स्ट टाइम ऐसे पास्ता के लिए वेट कर रहा है और बोल भी रहा है, पता नहीं उसको कहाँ से शौक़ लग गया पास्ता का। मैं बहुत बार मैंने बनाया है लेकिन कभी उसने इतनी एक्साइटमेंट नहीं दिखाई है, यहीं पर खड़ा है आप देखिए। और बस मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चीज़ और फिर मैं इसको खिलाऊंगी। अनवित से कंट्रोल नहीं हो रहा है, पास्ता देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और मुझे लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले हम कभी ऐसे एक्साइटेड हुआ करते थे जब मम्मी कुकिंग करती थी, लेकिन आज अनवित को ऐसे देख के मुझे लिटरली बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हॉट 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 देखो हॉट हॉट तो अगर आपके बच्चे भी ऐसे जिद करें, बहुत जल्दी ये वाला पास्ता बनके तैयार हो जाता है, कुकर में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है पास्ता बनने में। तो अनवित आप देखिए कितने शौक से पास्ता खा रहा है, बहुत ज़्यादा माइल्ड है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। तो ये वाला जो पास्ता है वो मैंने पापा जी के लिए सर्व किया है, क्योंकि वो भी आ गए थे, मैंने उनको पूछा कि आप पास्ता खाएंगे, उन्होंने बोला कि हाँ मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगा। और फिर मैंने जो अपना पास्ता है उस पर भी चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, क्योंकि मुझे चिली फ्लेक्स के बिना, मतलब मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड किया है। और पास्ता बहुत अच्छा बना था, बट थोड़ा सा जो सॉल्ट है वो कम रह गया था, बाकी जो पास्ता था वो बहुत अच्छा बना था। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो अभी मेरा सब काम फिनिश हो गया है, डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है और मैं आई हूँ अभी अपने रूम में। तो मैं मेहंदी का कोन लेके आई हूँ लगाने के लिए। एक्चुअली वाला जो कोन है वो ऑलमोस्ट 8 मंथ्स ओल्ड है। जब मैं लास्ट टाइम यूके आई थी दिवाली पे, तब मैं वाला कोन लेके आई थी कि मैं इसको यूके लेके जाऊँगी और भूल गई फ्रिज में। तो आज दिन में मुझे ये वाला कोन वापस फ्रिज में मिला, तो मैंने सोचा कि अभी लगाऊँगी। तो आई डोंट नो कि इसका कलर कैसा आने वाला है, और बट मेरा लगाने का मन है, तो इसीलिए मैंने ये कोन निकाला है। और मुझे मेहंदी लगाने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक है। अभी तो फिर भी ऐसा है कि मतलब अनवित के चलते हुए थोड़ा सा कम मैं लगाती हूँ, पता नहीं लास्ट टाइम कब लगाया था। पहले तो ऐसा था कि एक बार उतरती थी मैं दोबारा लगा लेती थी फ्रीज में, हमेशा मेरे मतलब फ्रीज में मेहंदी का कोन होता था, मुझे इतना ज़्यादा मेहंदी लगाने का शौक था। और मैं आपको बताने वाली थी कि मैं आज उदास क्यों हूँ, तो एक्चुअली मैं इसलिए उदास हूँ, कल है मेरा बर्थडे और सौरभ नहीं है, तो सौरभ आएंगे परसों, और आप देखिए कि कल मेरा बर्थडे है वो परसों आने वाले हैं, तो एक दिन पहले भी वो आ सकते थे, और परसों भी उन्होंने जो फ्लाइट लिया है वो दोपहर का लिया है, तो दैट मीन्स उनको ज़्यादा काम नहीं है। अगर उन्होंने दोपहर का फ्लाइट लिया तो कल आ सकते थे, और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता। और आप देख सकते हैं कि मैंने उनके बर्थडे पे कितना कुछ किया था, तो कभी कभी थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाता है, तो ह्यूमन बीइंग है हम लोग, और बुरा भी लगता है। और फर्स्ट बर्थडे ऐसा है कि सौरभ के बिना मतलब जाएगा, ऐसा कुछ करने का मेरा मन नहीं है, क्योंकि सौरभ नहीं है तो ऐसे मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज पूरे दिन से ऐसे ही मन उदास है, तो कुछ ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई, तो सोच रही थी कि मतलब कुछ बोलूँ, कुछ बातें करूँ, क्योंकि आप लोगों से जब भी मैं बातें करती हूँ तो मन बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है, क्योंकि मैं कैमरा ऑन करती हूँ और ऐसा लगता है कि मेरे सामने इतने सारे लोग बैठे हैं और मैं आपके फेस जो है वो इमेजिन कर लेती हूँ। कुछ लोग हैं जिनसे मैं मिल चुकी हूँ, तो वो तो मतलब क्लियर पिक्चर ही मतलब मेरे सामने है, जैसे सिंधु है, सुविता है, शरण है, ये लोग ऐसे हैं जो मेरे ब्लॉग हमेशा देखते हैं और इनको मैं क्लियरली इमेजिन करती हूँ।
तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। तो मतलब यही लगता है कि एटलीस्ट इतने लोग तो हैं जिनके साथ मैं अपना दुख दर्द बांट सकूं, और आज बस यही मन में चल रहा था। और अभी मेहंदी लगाऊंगी तो मेहंदी लगाते लगाते भी दिमाग में यही चलता रहेगा कि ऐसा सौरभ ने क्यों किया मेरे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यही सब थॉट्स हैं जो मतलब मन में आ जाती हैं, और इसीलिए मैं मेहंदी भी लगा रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं ऐसे कुछ उदास होती हूँ तो मुझे मतलब ऐसे क्रिएटिविटी वाले काम कर लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर कि नेल पेंट कर लिया या फिर ऐसे कुछ कोई भी काम क्रिएटिविटी वाला मैं कर लेती हूँ ताकि मेरा ध्यान बट जाए और मैं ज़्यादा उस चीज़ के बारे में ना सोचूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फिर डीप थॉट्स में चले जाती हूँ और सोचते रहती हूँ। क्योंकि जिन लोगों को थोड़ा सा सोचने का आदत होता है वो बहुत ख़राब होता है, मुझे वो आदत है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ कभी कभी। तो बस अभी मैं मेहंदी लगाऊंगी, कितनी बार मैं आप लोगों से एक ही सेंटेंस बोल चुकी हूँ कि मैं मेहंदी लगाऊंगी, बस फाइनली मैं भी मेहंदी लगाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि जब भी आप लोगों से मैं बातें करना शुरू करती हूँ तो बस पक 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 मैं बोलते रहती हूँ। इसीलिए मैं वॉइस ओवर करना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, क्योंकि अगर मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ तो फिर मैं रुकती नहीं हूँ, बातें 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 करते चले जाती हूँ मैं। अब नो मोर टॉक्स, ओनली मेहंदी। कंप्लीट हो गई है, तो आई डोंट नो कि कैसी लगेगी आप लोगों को। मैंने बहुत जल्दी में लगाई है, जैसे तैसे बस ऐसे मन रखने के लिए लगा ली, कोई बहुत अच्छा है सच नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा डिज़ाइन है, हाँ बस जल्दी जल्दी में मैंने कंप्लीट की है। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग, छोटा सा व्लॉग है, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और कोशिश करूँगी कि मैं इसको कल ही एडिट करके कल ही अपलोड कर दूँ, क्योंकि अभी एडिट करने का टाइम नहीं है। तो देखिए ऑलमोस्ट 11 हो गया है, तो अभी थोड़ा थोड़ा नींद आ रही है क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ, अनवित को स्कूल ड्रॉप करती हूँ, तो सब टाइम इसी में ही निकल जाता है। तो सोचती हूँ कि जल्दी मैं सो जाऊँ और अपना थोड़ा नींद पूरा कर लूँ। तो बस अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।